एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इसके वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप को कितने टाइप से हम फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पता नहीं है, ये है मेंस्ट्रुअल कप, ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप जो इस तरह की पैकेजिंग में आती है। इसमें दो साइज़ होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। तो ये आपका लार्ज साइज़ है और स्मॉल साइज इससे छोटा होता है। खोलने के बाद कुछ ये ऐसा दिखता है और ये बहुत सुंदर से पोटली में आता है। पोटली देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि इसमें मेंस्ट्रुअल कप रहता है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे निकलेगा और ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये आप लोग सोचो कि ये इतना बड़ा है, कैसे इंसर्ट होगा? तो मैंने ये भी बताया कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। तो ये सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको कितने टाइप से फोल्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये देख के कन्फ्यूज होते हैं कि ये इतना बड़ा है और इसको इंसर्ट करने में कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे अंदर डालेंगे, तो दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज मैं इसको थोड़ा आसान बनाने वाली हूँ। सबसे पहला फोल्ड ये बताऊंगी जो आप सभी जानते ही हो, इसको सी फोल्ड भी कहते हैं। तो ये ऐसे डाल के ऐसे इसको इंसर्ट करते हैं। दूसरा फोल्ड ये है कि इसको जस्ट ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे डालना है, ऐसे करना है। और ये देखो, ये बहुत छोटा हो गया। इसको आप इंसर्ट करके आप खोल सकते हो तो ये काफ़ी अच्छे से फिट बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। तीसरा फोल्ड जो है वो ऐसे है कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो तो भी ये काफ़ी छोटा साइज़ का हो जाता है और ये आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। चौथा फोल्ड मैं जो बताने वाली हूँ वो ये है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसको जस्ट ऐसे राउंड राउंड करके फोल्ड करो और ये बहुत छोटा साइज़ हो जाता है। तो ये मेरा सबसे अच्छा फोल्ड लगता है मुझे, जो मेरे लिए ईजी होता है। इसको ऐसे जस्ट इन करो और ये खोलो, ये अपना सेटल हो जाएगा अपनी जगह पर। पांचवा जो फोल्ड है वो इस टाइप से है, इसको जस्ट ऐसे करो और ये आपका अंदर आराम से इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको छोड़ दो फिर ये अपने शेप में आ जाएगा। तो ये पांच फोल्ड मैंने आप सभी को बता दिए। तो जो आपको सबसे इजी लगता हो वो आप ट्राई कर सकते हो और इसको देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। और हाँ, आप लोगों ने फिक्स योर पीरियड कॉन्टेस्ट में भाग लिया या नहीं लिया है तो फटाफट लीजिए, क्योंकि दो विनर है और मैं 18 तारीख को इसका विनर अनाउंस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फटाफट उसमें भाग लीजिए फिक्स योर पीरियड्स कॉन्टेस्ट में। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।